बता दे दो तो लेती है अपना अपना पढ़ना हूँ मैं, मेरे पैसे यहाँ बिलुआ तो यार उसका बेबी का नाम है बबुलू। मैं दादा पैदल ना बेचे मोटर साइकिल पे बेचे। हाँ जी वो मेरे दोस्त थी। पापा तो बड़े बड़े ताजे थे। आंटी दम नहीं वो पापा लगते मेरे माना अरे आज आज चलिए थे बदले हो कि बर्थडे कब है अप्रैल में अभी थिएटर नहीं जाना। दोस्तों तो लती तो लता चुतड़ आता है वो बिरवल ने धर्म दोल। ओ तो देखा ये स्टार्ट जो उर्वा ने कर दिया हुआ है और उर्वा की फरमाइश के ऊपर आज व्लॉग बनाया जा रहा है तो उर्वा ने ही स्टार्ट लिया है और इसका पता तो आपको चल ही गया होगा कि इसको व्लॉगिंग काफी हद तक आती चली जा रही है और उर्वा जो है बड़े अच्छे मूड के अंदर है। उर्वा ने मुझे अपनी फरमाइश पे कहा कि आज हम व्लॉग बनाएंगे तो काफी टाइम हो गया था आप लोगों का भी इंटरेक्शन उर्वा के साथ नहीं हुआ था तो उर्वा जो है उर्वा का मूड भी ऑफ था। मूडी पर्सन है यार ये जब इसका मूड होता है तभी ये खुद ही मुझे कहती है आज हम व्लॉग बनाएंगे। तो उर्वा फाइनली आप बैक आ चुकी हो तो बहुत से लोग आप लोगों को देखना चाहते थे तो वो कहते थे उर्वा व्लॉग्स में क्यों नहीं आ रही बताओ जरा। मैं वैसे ही आ रही। अच्छा ये कह रही मैं वैसे ये नहीं आ रही थी और आप व्लॉगिंग भी करती हो इस मोबाइल में मुझे करके तो दिखाओ जरा किस तरह करती हो। इधर देखो जरा आप किस तरह व्लॉगिंग करती हो करो जरा। वाह देखा आपने ये मेरी डिटो कॉपी भी करना स्टार्ट हो गई है तो काफी हद तक इसको व्लॉगिंग आ गई हुई है और जहां पर भी मुझे मिलती यही कहते व्लॉगिंग करते हैं। और रिसेंटली एक वीडियो जो कि मैं अपलोड नहीं कर सकता ना आप लोगों को दिखा सकता हूँ इसने मेरा व्लॉग बनाया है और क्योंकि उस वक्त मैं वैसे ही घर में बैठा हुआ था तो मेरे बाल जो है वो स्कैटरिंग हुए हुए थे। अपना पढ़ना हूँ मैं मेरे पैसे यहाँ परस तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए यार झूठ बोलती है इसके पास एक रुपया नहीं है मामा से ले लेके खाती है और मुझे ड्रामे करने लगी हुई है कि मेरे यार पास सच्ची उच्ची मैं अगर ना निकले तो फिर लेके आओ मैं देखे परस के अंदर पैसे हैं तो देखते हैं कि ये वाकई में है या ये ड्रामे कर रही थी। अब इसने मुझे कहा कि वहाँ पे पड़े हुए हैं अब ये ढूंढ रही है कि इसका पर्स जो है वो कहाँ पे है। ड्रामे करती हो तुम्हारे पास तो है ही नहीं ढूंढ लो ढूंढ लो जहाँ पे भी ढूंढना ढूंढ लो मुझे पता है कि तुम जो है ना मेरे साथ ड्रामेबाजी कर रही हो। इधर आ जाओ फिर नहीं है तो इधर आ जाओ आ जाओ शाबाश जल्दी से आ जाओ उर्वा जल्दी से आ जाओ इधर आ जाओ। अब बताओ कहाँ है नहीं मिला ना मैंने कहा था नहीं है अब बोलो जरा मुझे से आज पूछते हैं कि ये ट्यूशन गई है या नहीं गई। उर्वा ट्यूशन गई आज के नहीं गई आज इतवार नहीं आज तो मंडे है इतवार है मैं गलत हूँ यार उर्वा ठीक है आज इतवार ही है और आज छुट्टी थी। तो उर्वा ने मुझे कहा था कि इसको एक स्टोरी आती है उस स्टोरी आपको आती थी कौन सी वाली बिल्लू बट वाली वो वाली सुनाओ जरा मुझे। कैसे अच्छा अपने ऊपर तो ऐसे अच्छा चलो आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ आप बैठ जाओ बैठ जाओ। अब मुझे बताओ जरा कि आपने कहा था कि आपको बिल्लू बट ने टुड मारा है। नहीं टुड नहीं मारा उसके बेबी ने मारा। अच्छा तो उसके बेबी का क्या नाम है उसके बेबी का नाम है नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है इसने मुझे बताया था कि जो यानी के बबलू बकरी है यार उसका बेबी का नाम है बबलू। उसके बेबी का नाम बबलू है मैं गलत बोल रहा हूँ उर्वा मुझे रेक्टिफाई कर रही है। और उसकी अम्मी का क्या नाम है अम्मी का नाम है सोनिया बताया था सोनिया नाम है उसकी अम्मी का। और बबलू ने तुम्हें टुड मारा था या सोनिया ने डोनली ने किसने डोन ने डोन ने मुंह मारा था। अच्छा ये डोन कौन है मुझे ये भी बताओ जरा मतलब यार मुझे समझ लग गई यार सोनी वाली सोनी की माँ सोनी की माँ का नाम डोन है हुए 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 यार क्या क्या नाम सोनी सोनी
अपनी तो माँ ना दूते वाली है, वो मारती भी है। अच्छा, और उसने तुम्हें मारा भी है ना? हाँ जी। कहाँ पे मारा था? मारा था जोर। अच्छा चलो ठीक है यार, ये वाली स्टोरी तो हमने उर्वा से सुनी ली है। यार अब... मेरी बात यार, वो ना मैं उधर। चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, ये वाली स्टोरी हमने उर्वा से सुन ली है। स्टोरी जो है वो बबलू के बाद, यानी कि बबलू बकरी का नाम था और डॉन उसकी माँ का नाम था, तो वो वाली स्टोरी आप लोगों ने उर्वा से सुनी ली है कि आपको उर्वा को डॉन ने जो है वो टक्कर मारी थी, जिसको इसकी जबान के अंदर ये कहते हैं टुड मारा उसने। चलो ठीक है, वो वाली स्टोरी जो हो गई है, अब अगली स्टोरी जो उर्वा से सुनते हैं। उर्वा आप वो दूसरी स्टोरी मुझे बताओ, जो वो कुत्ते वाली स्टोरी थी वो वाली बताओ जरा मुझे। वो ना कुत्ता था ना, वो इधर कैमरे में देख के बताओ जरा मुझे। वाते ही था वो ना, हम एक्टिंग लेने गए थे तो वो वहां थे, हम तो ताते हम डर रहे थे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, आपने जब आप हमारे घर थी, आपने मामा को कॉल करके क्या कहा था? अरे मैं दादा पैदल ना भेजे, मोटर साइकिल पे भेजे। किसको? पापा। क्यों? अरे वो टूटे ने। अच्छा, आपको इतनी फिक्र है अपने पापा की? हाँ जी, वो मेरे दोस्ती है। अच्छा, पापा की आपसे दोस्ती है, इसलिए आपने कहा है कि पापा को जो है वो बाइक पे भेजें, वरना कुत्ते उनको खा जाएंगे। पूरी देता था ना बाले तू में थे, और वो ताड़ी मारी थी तो उन्होंने जान निकल गया था। अच्छा, तो मुझे ये बताओ तो कौन कौन से कलर के कुत्ते थे? वो इतने ज्यादा थे, वाइट इतना और वाइट मरा हुआ था। अच्छा, और ताड़े तुत्ते नहीं मरे हुए, तुत्तों के। क्यों? तुत्ते ने बड़े बड़े है ना, तो तेनु की डर लगना है। ऐसे ही सोई जरा, सुबह चली जामी घर है, सुबह घर चली जाई ना, कुत्ते ने ना बाहर। नहीं, मैं चुप चुप ते चली जाऊंगी। ते जा फिर बाहर, तेन कुत्ते ने जो फाड़ लिया ना ते आपे सही हो जाएगी। जा मामा नू दस। मामा मामा तो कुत्ते आ गए थे बड़े बड़े, और पापा तो पैदल ना भेजना, मोटर साइकिल पे भेजना, ब्लैक और व्हाइट कुत्ते हैं, दो बड़े बड़े वो भी। वो पापा की टांग मार दी। नहीं मां, मामा पापा तो बड़े बड़े ताजे दे, और मुतल पे लेते मुतल पे ताजे ना। किसका फोन आ रहा है? अल्लाह, चेक करो जरा केड़ा कुत्ता है, फिर जा जरा चेक कर जरा। और उर्वा से पूछते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या क्या टैलेंट मौजूद है। उर्वा, आपको एबीसी आती है या नहीं आती? आती है। तो सुनाओ फिर। बिल्कुल बेकार है, ट्यूशन जाती है, लेकिन इसको अभी ABCD के आगे कुछ नहीं आया। क्या करने जाती हो ट्यूशन में? पढ़ने। बिल्कुल नहीं पढ़ती। अलिफ भी आती है आपको? सुनाओ जरा। लाहौला वाला को अली बे तो मुझे भी नहीं आते, लेकिन इसने जो सुनाई है वो तो आपको पता ही है, बिल्कुल गलत सुना रही है। अली बे बस दो लफ्ज इसको आते हैं। 1 2 आती है आपको? 11 तो किसको आती है, इसके बाद इसको बिल्कुल भी नहीं आती। और पोइम भी इससे पूछते हैं आखिर इसको आती है या नहीं आती। पोइम आती है आपको कोई? हाँ जी, वो हम्टी रम्टी। सुना दो फिर। हम्टी रम्टी रम्टी टाटनुआ। बिल यार बिल्कुल नकम्मी स्टूडेंट हो तुम, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। आता है। कैमरे में देख के बताओ मुझे क्या क्या तुम्हें आता है। तुम्हें जो है ना सिर्फ तुम्हें लोगों को पागल बनाना आता है, तुम्हें और कोई काम नहीं आता। आता है। क्या? हम्टी रम्टी। सुनाओ। हम्टी रम्टी नहीं, टिंटल। सुना दो। ओए, ये फाइनली एक चीज है जो उर्वा को कंप्लीट आती थी, और वो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर लाइक डायमंड।
इन द स्काई। तो ये चीज थी जो उर्वा को आती थी, और बाकी तो इसको पढ़ाई में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। पंगे करवा लो इससे, उसको सारे जहान के आते हैं। बातें करवा लो इससे, वो इसको सारे जहान की आती है। हाँ जी, क्या कह रही हो? मैं कपड़े इत्री, ये कौन से कपड़े इस्त्री करने लगी हो? ये मम्मा थे। चलो ठीक है, देख लेते हैं। जब तुम्हारी मामा से तुम्हारी छतरोल हुई ना, तुम्हें लग पता जाना है। लो जी, सारे कपड़े गीले करी जा रही हो, ये इस्त्री कर रही हो, गीले कर रही हो। छोड़ दो, मैं कहता हूँ सारे कपड़े गीले करी जा रही हो, ये कौन सा इस्त्री कर रही हो? इस्त्री कहाँ पे है? छोड़ दो, तुम नहीं कर सकती है, कभी किया है नहीं है, ड्रामेबाजी करी जा रही हो। अब कहाँ जा रही हो, ये क्या कर रही हो? अब इधर आ जाओ, तुमने छोड़ दो सारे काम, छोड़ दो, ड्रामेबाजी करने लगी हुई हो। यार लोगों को ये लगता है, बल्कि मुझे भी यही लगता है कि उर्वा को शायद मेरे से ज्यादा अच्छी व्लॉगिंग आती है। तो उर्वा, आप व्लॉगिंग स्टार्ट करोगी या नहीं करोगी? इधर देख के, कैमरे की तरफ देख के फिर बताया करो ना, फिर अगर आपने व्लॉग बनाना हो तो। ये देखो ना, पता नहीं क्या करने लगी हुई है, छोड़ो इसको हमको, मुझे ये गिफ्ट है। चलो ठीक है, ये गिफ्ट है इसका। और ये पीछे जो पोस्टर लगा हुआ है, ये यानी कि उर्वा की बर्थडे का तब से लगा हुआ है ये। आपको ये एडिटिंग बताऊं, ये एडिटिंग मैंने की है। अच्छा ठीक है, मोहम्मद दाइम का यार ये जो एडिटिंग आप लोगों को पीछे नजर आ रही है, इसकी एडिटिंग मैंने ही की थी। और उर्वा की पिक जो है वो उसमें बड़ी, मैं आप लोगों को ये पिक जो है वो दिखाऊंगा अभी। और उर्वा छोड़ दो ये काम, क्या करने लगी हुई हो? ये मेरा गिफ्ट है। अच्छा गिफ्ट है तो छोड़ो पढ़ाना, जिसने भी दिया। अभी इस तरह देखो ना, तुमने वीलॉग बनाना है या नहीं बनाना मुझे बता दो, तो फिर चुप करके वीलॉग बनाओ, ठीक है? ये पिज्जा जो उर्वा हमें जो है खिलाने वाली है, उर्वा को हम ये पिज्जा बिल्कुल भी नहीं देने वाले, क्योंकि हम इसके घर आए हैं तो ये खुद नहीं खाएगी, ठीक है? तो पिज्जा हम खवाना है। तो तू तो क्या सी इधर, तू तो मैंने कहा सी के ओ भी होएगी, आइसक्रीम होएगी, बर्गर होएगा, वो कितने चीज आने, वो कितने ने वो पापा लाते मेरे। तो पूछ पापा नु, पूछ तेरा पापा नु। मैंने कह दिया था ना। तो पापा ना ले गए, तो फिर कौन जिम्मेदार है? मैंने कहा था मां ना अरे आज चल जी ते बर्गर ले आओ। तो बर्गर ते आए कोई नहीं, सिर्फ पिज्जा आया, कितने ने उन चीजा, पूछ, सिर्फ पिज्जा आया, हूं दस ना मेनू। पापा आ दे मेरे। तो पूछ पापा नु, पूछ पूछ ना हूं। बाहर हो रही है बारिश, और फाइनली पिज्जा आ चुका हुआ है, ये देखो जरा पिज्जा आ गया। और अभी इसको जो है वो हलाल करते हैं। और मैंने आपको पहले मरी वाले व्लॉग में भी बताया था कि बाय वन गेट वन पिज्जा या टू पिज्जा, इस तरह की डील होता है, वही ज्यादातर डील खाते हैं। पिज्जा आ रही है, मैं तेरा व्लॉग तो बना रहा हूँ, तू मैं आपे क्या सी खाना वास्ते है, तेरी नहीं है, ए की नाम है दा? ऐदा की नाम है? ओरियो शेक। ओरियो शेक है, लेकिन तेनू नहीं मिलना है, तेनू नहीं मिलना है। और आज हमने इनके घर क्या क्या खाया, और आज स्पेशली उर्वा की फरमाइश के ऊपर हम यहाँ पे आए हैं। और उर्वा आपने हमें क्या क्या खिलाया आज बताओ? पिज्जा, पिज्जा। और पिज्जे के साथ क्या था? बोतल। नहीं आपने तो बोतल भी थी, और क्या था? ओरियो शेक की तो कहानी मैं आप लोगों को बताता ही चलूं। ओरियो शेक जो बाहर से पीते हैं उसका तो बड़ा टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो ओरियो शेक आपको तस्वीर के अंदर नजर आ रहा है, बड़ा टेस्टी, बाहर से मुझे लग रहा था यार बड़ा मजेदार होगा, और मैं तो वैसे ही जरा जो है ना इस तरह की चीजों का बड़ा शौकीन हूँ। तो मैंने कहा यार यहाँ पे मजा आने वाला है। पिज्जा खाने के बाद जो है मैंने एक हसरत के साथ जब ग्लास उठाया और मैंने कहा यार आहा मजा आएगा, लेकिन जब मैंने उसको सिप किया तो उसका मुझे वो जो होता है ना लिक्विड ही नहीं आ रहा था। मैं कहा यार पता नहीं क्यों नहीं लिक्विड आ रहा, शायद जो है उसके ऊपर जो टॉपिंग हुई है शायद इस वजह से नहीं आ रहा। खैर जब मैं टॉपिंग रिमूव की उसके बाद भी आया तो उसका वो टेस्ट नहीं था। अब पता नहीं ये बिल्कुल ठीक था या खराब था, अब इसका तो नहीं आइडिया, लेकिन खैर अच्छा। हाँ मैंने ये पीछे दिखाया, ये जो आपको नजर आ रहा है ये उर्वा की तस्वीर है, और ये उर्वा का जो है पीछे सारा जो है बर्थडे का जो है सारा। और ये एडिटिंग मैंने ही किसकी हुई थी? मेरी अपने है। इसकी बर्थडे कब है? लोगों को बता दो, लोग विश करेंगे बर्थडे। तेरा बताओ की बर्थडे कब है? खाने के बगैर नहीं बनाना। पिज्जा खा लिया है, वो आइसक्रीम खा लिया, और क्या खाना है? या पता अभी थिएटर नहीं जाना,
वो कौन लेके आएगा? पापा। कोई नहीं आने वाला वो। यार वो तैयार होता है अभी, अभी आते पेपर पैटर लेना। चलो देख लेते हैं आता है कि नहीं आता, मुझे लगता है झूठ बोल रही है ये। सो इतने टाइम बाद उर्वा जो है व्लॉग के अंदर आप लोगों को नजर आई गई है, क्योंकि आज उर्वा की फरमाइश के ऊपर व्लॉग बनाया गया और उर्वा ने चार चांद लगा दिए हैं। और स्टार्टिंग के अंदर उर्वा आप लोगों को मेरे व्लॉग्स के अंदर नजर आई थी, लेकिन खैर फिर मूड ऑफ हो गया था, कहती थी मैंने व्लॉग्स नहीं करने। आज उसने धुआंधार एंट्री मारी है और अब तो काफी हद तक व्लॉगिंग सीख भी चुकी हुई है। जिस तरह आपने देखिए स्टार्टिंग के अंदर उसने किस तरह स्टार्ट किया है, और कुछ ऐसी क्लिप्स भी मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा जो उर्वा ने मेरे बनाए हैं, और कहती थी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आप सबके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे और उर्वा को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने गबान रब रखा। हेलो मेरे सारे दोस्तों का मेरा आता था है अटलांटिक वर्ल्ड तो रहती तो अल्लाह तो चूतड़ा थी तो। और उर्वा क्या कर रही हो? मैं तुझ नहीं कर रही, आप कर रहे हैं। आपने मुझे कहा था हमने वीलॉग बनाना, मैं वीलॉग बना रहा हूँ आपका। हाँ मैं आता वीलॉग बना रही हूँ। अच्छा स्टार्ट करके बताओ किस तरह बनाती हो। पहले ऐसे अटलांटिक वर्ल्ड पान ना करे और वीलों नु दफा कर। ये जो है ना आपका वीलो कामयाब हो रहा है, ये अच्छा ये बहुत यार बस कर बस बस पानी पानी तो दे दो। कौन से दे? पानी रहने दो। These bad dads, they get hurt.